Hello guys, good evening everyone. Welcome to our Clavimed classes. Clavimed, it is your true study med. So guys, तमे समस्त तो Clavimed classes application प्राय समस्त download करी सालोनी and जो मने अमर आज यार class को new अच्छो जो मने download करी ना तो तमे ने जब ती ये application download कर तारे इट पाई परी बो live class रो सुविधा दिया मिली पाउची एंड ता सहित यूट्यूब बेस्ड डाउट क्लियरिंग आउ डेली प्रैक्टिस आउ वीकली टेस्ट ओके तो तमने जो मैं डाउनलोड करी ना तमने डाउनलोड कर आउ निज फ्रेंड्स मानों को भी ए एप्लीकेशन रो लिंक टू भी शेयर कर से माने भी डाउनलोड करंतु एंड यार बेनिफिट्स नियंतु जे तमने एंड्रॉइड फोन यूज करू छ तहले ए एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर रो डाउनलोड कर आउ आईफोन यूज करूथिले ऐप स्टोर डाउनलोड करबो एंड तुमको यदि किसी भी डाउट्स हो कुछ भी क्वेरीज रोचे गोटा बुझी पड़े तो आम को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर एंड तुम सब डाउट से क्लियर हो पार सो गाइज चलो आज क्लास स्टार्ट करवा तो आम बायोलॉजी रे कौन कंटिन्यू करूँ एनिमल किंगडम ओके एनिमल किंगडम रो इनवर्टिब्रेट फाइलम सब आज कंटिन्यू करूँ तो आज तार लास्ट फाइलम टा पढ़वा जोटा थी फाइलम हेमिकॉर्डाटा एंड कॉर्डाटा उपरे किछटा हमें इंट्रोडक्शन देखिबा ओके हेमिकॉर्डाटा फाइलम जोटा कि तुम्हारा फाइलम नॉन कॉर्डेट आउ कॉर्डेट रो इन बिटवीन सेटा होची हेमिकॉर्डाटा ओके तो एठी स्टार्ट करिबा आजिरो टॉपिक हेमिकॉर्डाटा तो फर्स्ट जानिबा कि जो वर्ड हेमी अछि तार मीनिंग कोन हेमी रो माने होची हाफ आउ कॉर्ड कॉर्ड रो मीनिंग होची सीओआरडी कॉर्ड जो गोटे रॉड लाइक स्ट्रक्चर रहूची ओके तो हेमी कॉर्ड होची हेमी वर्ड रो आसी छी हेमी कॉर्ड डाटा ग्रीक वर्ड रो एटा आसी छी तो देखिबा एबे हेमी कॉर्ड डाटा फाइलम रे जो ऑर्गेनिजम्स माने अछंती से मन कोन कोन सब कैरेक्टरिस्टिक्स रहिची ओके ए जो अछंती एनिमल्स माने से माने सब टू टिके डेवलप अछंती प्रीवियस हमें जो फाइलम देखिथिले एनिमल्स मन भीतर स्टडी करथिले तांगो थरे माने टिके अधिक हाईली डेवलप अछंती ओके सो चलो एमन थरे देखिबा कोन कोन सब कैरेक्टरिस्टिक रहिछि फर्स्ट देखिबा एकर हैबिटेट हैबिटेट कोन फॉसोरियल सेडेंटरी सॉलिटरी कॉलोनियल मैराइन एनिमल्स एमने होछंती मेराइन एनिमल्स ओके वाटर रहे को भल लगे किछिटा कॉलोनी फॉर्मेशन करंती एंड किछिटा तमर सॉलिटरी मींस गोटे जगह रे सिंगल सिंगल संग रहबा को भल लगे ओके किछिटा अछंती ऑर्गेनिज्म जो मान कॉलोनी कॉलोनी मींस कोन से माने ग्रुप हे कि रहिबे गोटे जगह रे ग्रुप हे कि से माने रहिबे एंड आ क्वेश्चन को सॉलिटरी मींस तंको एकोटे एकोटे रहबा को पसंद एंड सेडेंटरी माने होचे कोन से माने गोटे जगह स्थिर होकर रहिबे माने वाटर भीतर तार बॉटम रे गोटे जगह से माने स्थिर होकर रहिबे आ फॉसोरियल मींस माने वाटर जे कोनो से पोजीशन रे से माने रहि पंदे टॉप हो बॉटम हो मिडिल लेयर हो तो ए टाइप रे माने एक्वाटिक एनिमल्स हो एटा में देखिले कोन हैबिटेट नेक्स्ट पॉइंट देखिबा बॉडी फॉर्म तांकर बॉडी होची वर्म लाइक डिविजिबल इनटू 3 पार्ट्स प्रोबोसिस कोलर एंड ट्रंक ओके यांको बॉडी रे तीनटा पार्ट रे डिवाइड हे छि ए टाइप रे यांको बॉडी गोटे तांको रोजे प्रोबोसिस सोडा तांको हेड पार्ट आ गोटे होछि तांकर कोन कोलर एंड लास्ट पार्ट हो संगर सॉरी जोडा हो संगर नेक पार्ट होछि कोलर आ ट्रंक जोटा आछि सेटा तांकर आ जोटा रिमेनिंग पार्ट रहि गेला सेटा होछि पूरा ट्रंक रे आसीबो हला तो तीनटा पार्ट रे मनकर बॉडी डिविजिबल हे छि सो हम जान लेबो कि अंकर सेगमेंटेशन सेगमेंटेशन तो रहुनी बॉडी रे पार्टीशन प्रेजेंट रहु छि नेक्स्ट सिमेट्री सिमेट्री होछि कोन बाइलैटरल सिमेट्री समस्त जानि छ बाइलैटरल सिमेट्री माने कोन हम जे बले बॉडी को गोटे वर्टिकल प्लेन रे डिवाइड करछन ए टाइप गोटे वर्टिकल प्लेन हम जे गोटे बॉडी को डिवाइड करबा ताहेले से दुइटा इक्वल हाफ रे डिवाइड हो छि हला सिंगल प्लेन रे हमको दुरा इक्वल इक्वल हाफ मिलला तो ए टाइप रो सिमेट्री जो 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 मन को बॉडी देखा जाउतिबो तंको हम कहिबा कोन बाइलैटरल सिमेट्री नेक्स्ट हला बॉडी प्लान ऑर्गेनाइजेशन एंड जर्मिनल लेयर्स द एनिमल्स हैव ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड थ्री जर्मिनल लेयर्स
रोचे बॉडी प्लान ट्यूब विद इन ट्यूब देखो एटा हेला बॉडी रे गोटे वॉल तार एंड ता भीतर गोटे स्मॉल जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थियो ताको कुआ जिवो कोन तमरो एटा हेला तमरो डाइजेस्टिव ट्यूब टा और एटा होची बॉडी रे वॉल सो ए टाइप रो द एनिमल्स हैव ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एटा तमे जानिथबो समस्त मु कहि सालिनी प्रीवियस सब फाइलम रे रेस्पिरेटरी सिस्टम हे जाउ डाइजेस्टिव सिस्टम हो एक्सक्रीटरी सिस्टम हो ए सब सिस्टम नगर डेवलप अछि आउ थ्री जर्मिनल लेयर्स एक्टोडर्म मेसोडर्म आउ एंडोडर्म तीनटा जर्मिनल लेयर्स रहउ छि या पर नेक्स्ट सिलोम सिलोम होछि कोन ए ट्रू एंटेरोसील इज प्रेजेंट माने ट्रू सिलोमिक कैविटी अछि एंटेरोसील माने कोन एमाक सिलोम था होछि एंटेरोसीलम सिलम डेवलप होता है ना एक्टोडर्म मेसोडर्म एम सब लेयर डेवलप होती तो एंडोडर्म एम जो सिलम डेवलप करी कह ट्रू एंटेरोसिलम इज प्रेजेंट एंडोडर्म जो लेयर अच्छी एंडोडर्म लेयर पार्टीशन सिलम टा डेवलप होता है तो बुझीपाल ये पढ़ले कौन कौन हैबिटेट बॉडी फॉर्म सिमेट्री बॉडी प्लान ऑर्गेनाइजेशन एंड जर्मिनल लेयर्स आउ सिलम विषय नेक्स्ट देखा appendages locomotory appendages are absent tentacles and arms may occur but they are non locomotory locomotory appendages amanga pray absent rahuchi au arms jodi rahuchi kichhan kichhan arms jemane ki non locomotory means tanga gote jagar se mane sthir hoi ki thanti sedentary jota ame kahuchanti hala ta bilkul bhi movement karanti nahi तो अपेंडिजेस रो काम कोन हमर जो अपेंडिजेस रहूची से माने लोकोमोशन रे हेल्प करंती बट जेते माकर एब्सेंट तो से माने लोकोमोशन प्रायजन करंती नहीं तपर असला बॉडी वॉल दे इज अ सिंगल लेयर्ड सीलिएटेड एपिडर्मिस हैविंग म्यूकस ग्लैंड एंड अ नर्व नेट बॉडी रो जो वॉल अछि सेठी सिंगल लेयर एपिडर्मिस रहूची बॉडी रो वॉल जोडा रहिला एटा बॉडी हैला आउटर जो लेयर टा अछि से तंगर ए जो लेयर टा देखि पर्तुवा सिंगल लेयर एपिडर्मिस से तयार हे छि जोटी तंगर म्यूकस ग्लैंड रहु जोटा कि म्यूकस क्रिएट करे जको टिके स्लाइमी लेयर ये फॉर्मेशन हुए और नर्व नेट नर्व गुडा को एठी नेट टाइप रे फॉर्मेशन करथांति सेगमेंटेशन इट इज एब्सेंट सेगमेंटेशन नाही बॉडी रेस्पिरेशन किंतु हो छि फैरिंगल गिल स्लिट्स ऑकर बट दे आर डोर्सल इन पोजीशन डोर्सली रहिबो बॉडी रो डोर्सल पोजीशन माने ऊपर पोजीशन जे बैक पोजीशन रे रहू छी गिल स्लिट्स माने स्मॉल स्मॉल होल लाइक स्ट्रक्चर स्लिट्स माने होल लाइक स्ट्रक्चर रहू छी फैरिंगल गिल्स रे हम कहउ छी फैरिंग्स पाखरे जो से तंकर कोन की कोन करे रेस्पिरेशन रे हेल्प करे रेस्पिरेशन माने कोन जो गैसियस एक्सचेंज हबो ओ2 आ CO2 ले तंकर जो निश्वास प्रश्वास ने बारे तंकर गिल स्लिट ता हेल्प करे नेक्स्ट देखिबा नर्व कॉर्ड रोज गोटे नर्व कॉर्ड ए स्मॉल डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट बट इज रेस्ट्रिक्टेड टू कोलर रीजन है जो कोलर जो नेक रहुची सेही रीजन रे कौन रहुची ए स्मॉल डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट बट इज रेस्ट्रिक्टेड टू द कोलर रीजन मतलब ए रीजन ही तंकर आसीबो आउ सेटा रहिबोनी कोन आउ सब एब्सेंट रहिबो वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो असो प्रेजेंट वेंट्रल माने बॉडी जो लोअर पोजीशन रे गोटे नर्व कॉर्ड रे रहइबो नेक्स्ट टेल पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट माने जो प्रकार हमर टेल रहउची जेंती फिश मांगर टेल रहिला से टाइप टेल तंगर एब्सेंट रहउची एनल टेल माने कोन एडा एनस पाखरे प्रेजेंट थाय तबरे नेक्स्ट आसीला एस्क्रिटरी सिस्टम ए प्रोबोसिस ग्लैंड कॉल्ड ग्लोमेरुलस इज फंक्शनल इट इज कनेक्टेड टू ए ब्लड वेसल animals are amenotelic hala proboscis gland gote achi jota ki tankar head position re rahuchi called glomerulus which functional excretory system re tankar rahuchi glomerulus kahi ki jota ki functional excretion karibara seta help kare seta kaha ko connect heichi blood vessels sangare aw animals mangor jo excretory product release hochi seta hochi amenotelic mane seti ammonia present rahuchi excretory jo waste material baharuchi seti ammonia rahuchi हेड पोजिशन प्रेजेंट था नेक्स्ट सिस्टम हूँ सर्कुलेटोरी सिस्टम यमी रोचे इट इज ओपेन टाइप है सर्कुलेटरी सिस्टम बॉडी पूरा ओपेन ही रही है किसी ब्लड प्रेसर प्रेजेंट न थोड़ी हार्ट इज डोर्सल
डोर्सली तांको बॉडी देखो ए जदि गोटे इनसेक्ट रो किबा एनिमल्स रो एटा गोटे बॉडी हैला ताहले तार बेक टा हो डोर्सल बेली साइड हो वेंट्रल हेड साइड टा हो एंटीरियर पार्ट आउ टेल टा हो पोस्टीरियर पार्ट हला तो सर्कुलेटरी सिस्टम रे तो हमें देखिले कि कोन कहिला बॉडी हैज डोर्सल एंड वेंट्रल ब्लड दिस रहउची एंड रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट रहउ ब्लड रे रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट रहउची आउ हार्ट टा तांकर डोर्सल पोजीशन रे प्रेजेंट रहउची हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम रे मेन फंक्शन हला कोन बॉडी रे जो सब हमर लिक्विड बा फ्लूइड रहउची ताको गोटे प्लेस रो आउ गोटे प्लेस को सर्कुलेट करिवे रे हेल्प करिवो हला ब्लड हो किबा वाटर हो सेटा सर्कुलेशन रे हेल्प करे सेतिरे हार्ट अछि आउ ब्लड वेसल्स माने थांदे हार्ट जे से कोन करबो से ब्लड को लंग्स को पठेबो प्यूरिफिकेशन करबो हार्ट रे मेन काम होछि कोन से ब्लड को पंपिंग करिवे रे हेल्प करे हला एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ से ब्लड कलेक्ट करबो एंड सेटा हार्ट को पर हार्ट लंग्स को पठेब लंग्स प्यूरीफाई हो कि पुणी हार्ट पाक आसो देन हार्ट रु पुणी डिफरेंट पार्ट को सर्कुलेट हम डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कम्प्लीट जो डाइजेस्टिव सिस्टम रही माउथ रु नहीं आनस जाए माउथ रु स्टार्ट करस पूरा कम्प्लीट रही सब अर्गन से प्रेजेंट अच्छे डाइजेस्टिव सिस्टम र A hollow cord-like outgrowth occurs in the proboscis. Proboscis part of the front part of the proboscis. So, it is hollow cord-like outgrowth cord in the proboscis. It is formed from the roof of buccal cavity. Buccal cavity is the roof of the formation, the mouth cavity. And it is called buccal diverticulum or stomochord. It is called stomochord or buccal diverticulum. This is an important point. Then sense organ. Special sense organs are absent. Some sensory cells occur in the epidermis. Special sense organ ta body re nahi eta absent achi. Kintu kichi ta cells achi jota ki tanga sense organ bhabare kaam kare. Kothi achi seta cell ta epidermis. Tanga jo body re layer achi seti epidermis achi. Skin ta layer ta epidermis. To seti jo kichi ta achanti cells jo mane ki sense organ bhabare kaam karanti. Next achi hochi asexual reproduction. Commonly absent, but in few cases, budding occur. Power of regeneration is high. मतलब ये मानो करो asexual reproduction तो हुए नहीं. इच्छा जगह पर अगर budding हुए, budding में जाने जो उधर parent body थी वो सिर्फ अगर small bud type का तरह बाहरी बो, बड़ा कि forest ऐटा future रे parent body तो separate ही जाए, end से नीचे वो टे individual organism को develop हुए. तो ऐटा ही वाला करो. asexual reproduction. आउट एक अच्छी मानो करो power of regeneration बहुत high. समस्या जानी थी कही रिजेनरेशन मान कौन पुणी आउ थे किसी पार्ट एक्सीडेंटली कौन भी पार्ट लस्ट हो जाए जेनेट मैं आउ थे क्रिएट हो पार्टी आपने आप देख एटा गोटे बड़ा बडी पार्ट है पार्ट से कट हो गला कट हो सर आमको कौन मिलू दुईटा अलग अलग एम पीस मिल तो जो जो पार्ट आबसेंट थी से पार्ट आ जगह रिजेनरेट हो जाए एक्सटर्नल एक्सटर्नल फर्टिलाइजर माने कोन एमन कोन स्पर्म आ एग जेडा कि आउटर जो वाटर अछि वाटर को सेटा रिलीज हे जीव स्पर्म आ एग से माने आसे कि फर्टिलाइज करिबे एंड जायगोट सेंड करिबे एड हला फर्टिलाइजेशन जेडा कि एक्सटर्नली होची देन नेक्स्ट पार्ट अछि डेवलपमेंट डेवलपमेंट अगर केमती हो क्लीवेज इज होलोब्लास्टिक डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विथ ए लार्वल स्टेज कॉल्ड टर्नेरियम हला होलोब्लास्टिक क्लीवेज माने एमन को जो एकटा तयारी होची सेटा होलोब्लास्टिक मींस जते बेर तंकर जायगोट तयारी परे मोरुला किबा ब्लास्टुला जो स्टेजेस होची मल्टीसेलुलर फॉर्मेशन होचंती गोटे सिंगल सेल थिवो जायगोट जायगोट ताको जते डिवाइड हुए सेटा तो सेटा कंप्लीट डिवाइड हो सेटा कह होची जे माने कंप्लीटली गोटे साइड रो आगोट साइड पर डिवाइड होवंती ताको जते कह होची कोन होलोब्लास्टिक क्लीवेज हला
cleavage holoblastic development is indirect with a larval stage called tornaria. Tornaria gote emanko larval stage achi inje tamko indirect development hochi larva present achi to se larva tar na hochi tornaria larva. तमे बे कोन कोन सब पॉइंट्स कवर करिले नोटोकॉर्ड सेंस ऑर्गन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आउ डेवलपमेंट तै से गोटे गोटे पॉइंट्स माने मन रखिबो जे भी किछि भी शॉर्ट नोट आसुचि ताले चैप्टर 5 टा पॉइंट्स लिखिबो लॉन्ग क्वेश्चन आसले 10 पॉइंट्स तमे मेंशन करिबो तो एटा होचो गोटे तमरो डायग्राम देची एटा हो समरो बालानोग्लोसस रो डायग्राम हैला गोटे एग्जांपल केमिकल एटा फाइल हमरो बालानोग्लोसस देखो यार बॉडी रो स्ट्रक्चर केमती अछि फर्स्ट तरह अछि प्रोबोसिस जडा म कहउतली प्रोबोसिस जेटी हेड रीजन टा तरह अछि कोलर नेक रीजन टा देन तरह अछि ट्रंक रीजन एटु आरंभ करिकि हमरो पर लास्ट से होछि ट्रंक रीजन हैला एठी कोन रहइबो ब्रांकियल रीजन रहउछि गिल पोर्ट देखो जो फारिंगियल गिल स्लिट से जडा रेस्पिरेशन रे हेल्प करे एठी स्मॉल स्मॉल गिल पोर्ट्स अछि डोर्सली कर्व्ड जेनिटल विंग्स एठी डोर्सली कर्व्ड जेनिटल दिरा विंग पर टाइप रो अछि बडे जेनिटल विंग माने कोन माने ए मानकर फंक्शन जे माने रिप्रोडक्शन रे हेल्प करिवे हैला मेल रिप्रोडक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट थाई परे आइदर ओनली मेल और फीमेल में यूनिसेक्सुअल और ए माने कोन थांती हर्मापोड राइट ना देन मिड डोर्सल रिज ये गोटे सेपरेशन टाइप रिज टाइप रो गोटे स्ट्रक्चर को हो छि मिड डोर्सल रिज हेपाटिक सिक्का आ हेपाटिक रीजन एटा हमर मेनली कोन हो छि जो हेपाटिक माने लीवर टाइप रो बाइल जो सम डाइजेस्टिव सिस्टम जोटा डाइजेस्ट डाइजेशन हेबाटा फंक्शन टा एठी हो छि आ पोस्ट हेपाटिक रीजन एटा पछवार को तमरा एनस पाको रहबो एंड एनस तमरा एठी कोन हो छि ते मानकर वेस्ट मेटल टा बाहर रिलीज हो छि एटा हला गोटे कौन बालानोग्लोसस रो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर तुम ये डायग्राम टा मन रखिबो बालानोग्लोसस रो डायग्राम आउ बड़े बड़े एग्जाम रे पक पड़ी जाए आउ तार ना भी मन रखिबो साइंटिफिक नेम तो एटा हे गला बालानोग्लोसस तमरा अब कंप्लीट हे गला कौन फाइलम जोटा नॉन कोडाटा रो अप टू हेमिकोडाटा जाई थिला तापरे स्टार्ट करिबा फाइलम कॉर्डाटा ओके फाइलम कॉर्डाटा स्टार्ट करिबा त अप टू हम जति के पढिले नॉन कॉर्डाटा जाय सेही मान को थारु फाइलम कॉर्डाटा माने होजनी आउट के अधिक डेवलप्ड एनिमल्स ओके से माने हमरे देखुथले से माने समस्त प्राय तमर मेराइन थिले किछिटा अछन जो माने की टेरेस्टर देखा जांती त प्राय और से माने मेराइन थिले बट कॉर्डाटन रे जो माने आछंती ए माने मेराइन भी अछंती बट बेसी हमर टेरेस्ट्रियल लैंड एनिमल्स माने रहउछंती हैला तो हमें देखि देबा आज टोटल टोटल जो फाइलम कॉर्डाटा केमते डिवीजन करा है छि ता अंडर को को सब फाइलम माने आछंदी सब फाइलम आसु छि क्लास आसु छि सेडा आज के ओवरऑल डिस्कस कर देबा पुनि नेक्स्ट क्लास रो गोटे गोटे करके हमें फाइलम स्टार्ट करिबा फाइलम कॉर्डाटा रो तो फाइलम कॉर्डाटा को फर्स्ट दुटा डिवीजन करा है छि ओटा हला प्रोटोकॉर्डाटा ओटा हला वर्टिब्राटा हैला प्रोटोकॉर्डाटा अंडर आसु छि एक्रानियाटा एक्रानियम माने कोन जो माने क्रानियम एब्सेंट थिबो क्रानियम कहले का को बुझा जाउची ब्रेन बॉक्स ब्रेन ए गोटे बॉक्स त हम क्रानियम बा स्कल कहै थौ त जे माने क्रानियम नाही त कहबे हम ए क्रानियम ए माने एब्सेंट तो से माने आछले डिवीजन प्रोटोकॉर्ड अंडर रे जो माने आछले भट्टी बेटा त हम कहबा कोन क्रानियाटा क्रानियाटा माने हमर क्रानियम बा स्कल प्रेजेंट हम ब्रेन रे क्रानियम बा स्कल प्रेजेंट रहउची एक्रानियम रे एग्जांपल अछि एम्फियोक्सस बालानोग्लोसस आउ एसिडियंस एटा हम देखुथले प्रीवियस जे जो बालानोग्लोसस से थे माने भी आस्ट्रेन से हमर जो बालानोग्लोसस देखिथिले तो सेटा तमर तांगर ब्रेन एब्सेंट रहउछि अच्छा वर्टिब्रेट अंडर जे माने आस्ट्रेन से माने होछन्ति पुनि दुटा टाइप्स रे गोटे होछि एग्नाथा आ गोटे होछि ग्नाथोस्टोमाटा हैला एग्नाथा और ग्नाथोस्टोमाटा एग्नाथा क्लास से आछि त हमर साइक्लोस्टोमाटा आ लैम्प्रे हैला साइक्लोस्टोमाटा ना एग्नाथा माने कोन आ ग्नाथोस्टोमाटा माने कोन एग्नाथा माने होची जो माने कोन ज ज एब्सेंट रहबो माउथ रे हमर माउथ रे कोन ज प्रेजेंट थाय टीथ थिबो तापर सित्ता पाखर त हमर टीथ से जो अटैच थाय त हम ज कहि थौ अपर ज लोअर ज जो जर एब्सेंट तक हमें कहबा एग्नाथा त अंडर आसी क्लास साइक्लोस्टोमाटा पुन त एग्जांपल होची लैम्प्रे
ଆଉ ନାଥଷ୍ଟମଟା ମାନଙ୍କର ଜବ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପୁଣି ସେଇଟା ପୁଣି ଦୁଇଟା କ୍ଲାସ୍ ସୁପର କ୍ଲାସ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ପାଇସେସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ତମର ଟେଟ୍ରାପୋଡା ହେଲା। ପାଇସେସ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ପୁଣି ଆସୁଛି ଦୁଇଟା ସବ୍ କ୍ଲାସ୍, ଆସୁଛି କ୍ଲାସ୍ କଣ୍ଡ୍ରିଜ୍ ଥାଇଜ୍ ଯୋଉମାନଙ୍କର କାର୍ଟିଲେଜ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାଉଛି, ଆଉ ଅଷ୍ଟିକ୍ ଥାଇଜ୍ ମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ବୋନ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାଏ ବଡିରେ। କଣ୍ଡ୍ରିଜ୍ ଥାଇଜ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ତମର ସାର୍କ, ଆଉ ଅଷ୍ଟିକ୍ ଥାଇଜ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି କ୍ୟାଟ୍ଫିସ୍ ଟେଟ୍ରାପୋଡା। ୟାର ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିବ ଆମ୍ଫିବିଆ, ରେପ୍ଟିଲିଆ, ଏପ୍ସ ଆଉ ମାମାସ୍। ଟେଟ୍ରାପୋଡା ଟିକେ ବଡ଼ ସୁପର କ୍ଲାସ୍ଟା ଅଛି, ୟା ଅଣ୍ଡରରେ ବହୁତ ସାରା ଆସୁଛନ୍ତି ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ଯେମିତିକି ଆମ୍ଫିବିଆ, ରେପ୍ଟିଲିଆ, ଏପ୍ସ, ମାମାସ୍। ଆମ୍ଫିବିଆ ତମେ ସବୁ ଶୁଣିଥିବ, ଏସବୁ ନା କ୍ଲାସ୍ ଟେନ୍ଥରେ ବି ପଢ଼ିଥିବ, ଫ୍ରଗ୍, ଟୋଡ୍, ସାଲାମାଣ୍ଡର ହେଲା। ରେପ୍ଟିଲିଆ ସେମିତି ଆସିବ ଗାର୍ଡେନ୍ ଲିଜାର୍ଡ, ୱାଲ୍ ଲିଜାର୍ଡ, ସ୍ନେକ୍, ଏଲିଗେଟର। ଆଉ ଏପ୍ସରେ ସେମିତି ଆସିବ ସ୍ପ୍ୟାରୋ, ପିଜନ୍। ଆଉ ମାମାସ୍ରେ ଆସିବ ରାଟ୍, ରାବିଡ୍, ବ୍ୟାଟ୍, ଫ୍ୱେଲ୍ ହେଲା। ତ ଏଇସବୁ ହେଇଗଲା ତମର କ'ଣ ଆମ୍ଫିବିଆ, ରେପ୍ଟିଲିଆ, ଏପ୍ସ, ମାମାସ୍, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତମର ଟେଟ୍ରାପୋଡା ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ମେନଲି ଆମର ଯେଉଁ ଫାଇଲମ୍ ଷ୍ଟଡି କରିବାର ଅଛି କଡେଟ୍ ଅଣ୍ଡରରେ, ସେଟା ହେଉଛି ତମର ପ୍ରୋଟୋକଡାଟା, ସାଇକ୍ଲୋଷ୍ଟୋମାଟା, ପାଇସେସ୍ ଯେଉଁ ଅଛି କଣ୍ଡ୍ରିଜ୍ ଥାଇଜ୍, ଅଷ୍ଟିକ୍ ଥାଇଜ୍ ଏଇଟା ଦେଖିବା, ଆଉ ଟେଟ୍ରାପୋଡା ଯେଉଁଟା ଅଛି ତମର ଆମ୍ଫିବିଆ, ରେପ୍ଟିଲିଆ, ଏପ୍ସ, ମାମାଲିଆ, ଏସବୁ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଡିଟେଲରେ ଦେଖିବା। ୟାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଗାନିଜମ୍, ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିଟେଲରେ ପଢ଼ିବା। ତ ଫାଇଲମ୍ କଡେଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ମାନେ ତାଙ୍କର କ'ଣ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଅଛି ଦେଖିବା ହେଲା। ତ ଏଇମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ନୋଟୋକଡ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ବଡିରେ। ନୋଟୋକଡ୍ ଗୋଟେ କଡ୍ ଲାଇକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଲା, କଡ୍ ଲାଇକ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଏଠି ଯେଉଁ ଅଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍, ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଏଠି ଅଛି ନୋଟୋକଡ୍, ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା କଡ୍ ଲାଇକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ଆଣ୍ଡ ଏ ହଲୋ ନର୍ଭ କଡ୍ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ, ଲେଖା ହେଇଛି ଡୋର୍ସାଲି ହଲୋ ନର୍ଭ କଡ୍। ଡୋର୍ସାଲ ମାନେ ଏଇଟା ବେକ୍, ବେକ୍ ଆଡ଼ୁ ଯେହେତୁ ତାକୁ ଡୋର୍ସାଲ କୁହାହଉଛି, ଡୋର୍ସାଲ ପୋଜିସନରେ ଅଛି ହଲୋ ନର୍ଭ କଡ୍, ଏ ଭିତରଟା ପୁରା ବ୍ଲାଙ୍କ କୁହାହଉଛି ହଲୋ। ତାପରେ ଅଛି ପେୟାର୍ଡ ଫ୍ୟାରିଙ୍ଗଲ ଗିଲ୍ ସ୍ଲିଟ୍ସ। ପେୟାର୍ଡ ଦେଖ ଫ୍ୟାରିଙ୍ଗଲ ଗିଲ୍ ସ୍ଲିଟ୍ସ ହେଉଛି ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହେଲା, ମାନେ ପେୟାର ପେୟାର ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ବାଇଲାଟ୍ରାଲି ସିମେଟ୍ରିକାଲ, ଏମାନଙ୍କର ବଡି ଆମେ ଯଦି ୟାଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟ ଡିଭାଇଡ୍ କରିବା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବାଇଲାଟ୍ରାଲ ସିମେଟ୍ରିକାଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ଦୁଇଟା ପାର୍ଟ ଇକ୍ୱାଲି ଡିଭାଇଡ୍ ହେଉଛି। ତାପରେ ଅଛି ଟ୍ରିପ୍ଲୋବ୍ଲାଷ୍ଟି ଆଉ ସିଲୋମେଟ୍। ଟ୍ରିପ୍ଲୋବ୍ଲାଷ୍ଟି ମାନେ ତିନିଟା ଲେୟାର ରହିବ, ଏକ୍ଟ୍ରୋଡମ୍, ମେଜୋଡମ୍ ଆଉ ଏଣ୍ଡୋଡମ୍, ଆଉ ସିଲୋମ ମାନେ ଟ୍ରୁ ବଡି କ୍ୟାଭିଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ। ଫାଇଲମ୍ କଡେଟାରେ ଯେଉଁ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଅର୍ଗାନିଜମ୍, ଯେତେ ବି କ୍ଲାସ୍ ଆସୁଛି ସଫର ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ସିଲୋମେଟ୍, ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ବଡି ଟ୍ରୁ ସିଲୋମ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି ହେଲା। ତାପରେ ଆସୁଛି ଅର୍ଗାନ ସିଷ୍ଟମ ଲେବଲ୍ ଅଫ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ଫ୍ଲୋଟ୍ସ, ସକ୍ରେଟ ସିଷ୍ଟମ ମାନେ ବ୍ଲଡ୍ ଭେସେଲ୍ସ, ହାର୍ଟ ସବୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିବ, ଆର୍ଟେରୀ, ଭେନ୍, କ୍ୟାପିଲାରିସ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହୁଛି। ପୋଜେସ୍ ଏ ପୋଷ୍ଟ ଆନାଲ୍ ଟେଲ୍, ପୋଷ୍ଟେରିଅର୍ ଇଲଙ୍ଗେସନ୍ ଅଫ୍ ବଡି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡିଂ ବିୟଣ୍ଡ ଆନସ୍, ମାନେ ଆନସ୍ ପରେ ବି ଯଦି ଆନସ୍ ରହୁଛି, ଏଠି ହେଲା ଆନସ୍ ସମୟ ରହିଲା, ତ ଆନସ୍ ପରେ ବି ଆହୁରି ଏତିକି ପାର୍ଟ ତାଙ୍କର ଟେଲ୍ ଭାବରେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେଇଛି ହେଲା, ଆନସ୍ ଠାରୁ ବି ଏତିକି ପାର୍ଟ ତାଙ୍କର ଟେଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହୁଛି। ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ଫାଇଲମ୍ କଡେଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଯେଉଁ ଯେତିକି ବି ଆସୁଛନ୍ତି କ୍ଲାସ୍, ସବ୍ କ୍ଲାସ୍, ଫାଇଲମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ, ଏଇସବୁ କମନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ରହିବ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତମର ହେଉଛି ୟା ଭିତରୁ ତିନିଟା କି ନୋଟୋକଡ୍, ନର୍ଭକଡ୍ ଆଉ ଗିଲ୍ ସ୍ଲିଟ୍ସ, ତିନିଟା ହେଉଛି ଫାଇଲମ୍ କଡେଟାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ। ତ ଏବେ ଆମେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ର କିଛିଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଫାଇଲମ୍ କଡେଟା ଆମେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବର ୱାନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଷ୍ଟୋମୋକଡ୍, ଷ୍ଟୋମୋକଡ୍ ଅକର୍ସ ଇନ୍ ହେମିକଡାଟା, ସେଫାଲୋକଡାଟା, ୟୁରୋକଡାଟା ନା ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏଭବ୍, କେଉଁମାନଙ୍କର ରହୁଛି ଷ୍ଟୋମୋକଡ୍। ମୁଁ ଏଇଟା କହିଥିଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଷ୍ଟୋମୋକଡ୍ ତମର ରହୁଛି ଫାଇଲମ୍ ହେମିକଡାଟାରେ, କେଉଁଠି ରହୁଛି ହେମିକଡାଟା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଲାର୍ଭାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ବାଲାନୋଗ୍ଲସସ୍, ବାଲାନୋଗ୍ଲସର ଲାର୍ଭାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ର ନାଁ କ'ଣ, ସେଇଟା ହେଉଛି ତମର ଟର୍ନାରିଆ ହବ ନା ଡୋଲିଓଲାରିଆ ନା ଟର୍ପୋଲ ନା ନନ୍, ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଟର୍ନାରିଆ ବା ଲାର୍ଭାଲ ଷ୍ଟେଜେସ୍, ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଇନ୍ ହେମିକଡେଟ୍ସ ଦ ଗିଲ୍ ସ୍ଲିଟ୍ସ ଲାଟ୍ରାଲ, ଡୋର୍ସାଲ, ଭେଣ୍ଟ୍ରାଲ ନା ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏବଭ୍, ହେମିକଡା ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗିଲ୍ ସ୍ଲିଟ୍ସ ରହୁଛି ସେଇଟା କେଉଁ ପୋଜିସନରେ ରହୁଛି, ଲାଟ୍ରାଲ ରହୁଛି ନା ଡୋର୍ସାଲ ନା ଭେଣ୍ଟ୍ରାଲ ନା ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏବଭ୍, ତ ଏଇଟାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ତମର ଭେଣ୍ଟ୍ରାଲି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହୁଛି ଗିଲ୍ ସ୍ଲିଟ୍ସ। ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଏ ହେମିକଡେଟ୍, ୟାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଗୋଟେ ହେମିକଡେଟ୍, ବାଲାନୋକ୍ଲୋସସ୍ ନା ମିକ୍ସିନ୍ ନା ସାଲ୍ପା ନା ପେଟ୍ରୋମାଇଜନ୍,
तो यार करेक्ट आंसर होचे तमरो बालानोग्लोसस जे होचे ओटे वन टाइप ऑफ बट होचे हेमिक्वार्टर एग्जांपल सो आज क्लास हम जितकी भी डिस्कस करले होप कि समस्त बुझी पारि थिबो एंड जहाँ को किसी भी बुझी आसुनी तम जब बुझी आसुनी को पॉइंट्स से किसी भी डाउट्स थिबो तम कमेंट सेक्शन में हमको कमेंट कर पार और जो मैंने सब एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे डॉट क्लियरिंग पेज डाउट्स से पचारि पार एंड जो मैंने न्यू अच्छे आम आज क्लास आज क्लास तुम जब प्रिवियस सब क्लास देखा चाहते तुम ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके देखिपर ना यूट्यूब अवेलेबल हो तुम से सब कुछ देखिकी जानी पारिबो जहाँ सब पढ़ाई है एंड आज आम जहाँ पढ़े तुम जब से रिविजन कर नेक्स्ट क्लास पूरा कंटिन्यू करवा जहाँ सब क्लासेस अच्छी सो आज क्लास ये रखा थैंक यू।